आपके इलाके में तालीम की कमी है? कोई बच्चा हो के भाई स्कूल में जगह नहीं है, हमें एडमिशन नहीं मिलता, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? लेकिन फिर भी हमें तालीम याफ्ता क्यों नहीं कहा जाता? नियत से पहचाना जाना है, दुनिया की सोच से नहीं। पांचवी चीज वो कहता है प्लेयर, खुशी, कि क्या आप मटीरियलिस्टिक तो नहीं हो गए, मादी प्रस्ती तो नहीं हो गए, आप लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी तो नहीं हासिल करने लग गए? ये पांच इमोशंस हैं। वो कहता है तालीम आपको इन पांचों के ऊपर ग्रिप देती है। फिर वो कहता है तालीम आपको इस काबिल बनाती है कि आप अमल करने लग जाओ। अमल का एक कतरा तालीम के पूरे समंदर से ज्यादा वजनी है। अमल, हम सबके पास बहुत सारी दलाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अमल की कमी है सिर्फ। वो कहते हैं तालीम आपको इस काबिल बनाती है कि आप जो चीज दूसरों को कह रहे हो उस पर खुद अमल करो। वो कहते हैं ना, अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। फिर वो कहता है छठी चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि तालीम इंसान को बताती है कि वो इस दुनिया में क्या करने आया था। हर इंसान में एक नेचुरल टैलेंट है, हर इंसान में एक खूबी है जो छुपी हुई है। तालीम आपकी उस खूबी को बाहर निकालती है जो 7 बिलियन की दूसरी पॉपुलेशन में नहीं है। वो आपको ऑब्जर्वेटिव बना रही है, क्या वो आपको एनालाइज करने की ताकत दे रही है, क्या वो आपको नताई निकालने दे रही है, क्या आपका आपके बिहेवियर पे कंट्रोल है, क्या आप अमल कर रहे हो? तो फिर हम तालीम किस चीज को कह रहे हैं? हम तालीम कहीं नंबरों को तो नहीं कह रहे, हम कहीं डिग्रियों को तालीम तो नहीं कह रहे। अगर हम जहानत को नंबरों में तोलें तो ये गलत चीज है। अगर एक कारपेंटर है, आप उसको कहना कि मोटरसाइकिल का इंजन बना, तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो काम लकड़ी का करता है। उसकी जहानत किस में है? लकड़ी में है। उस्ताद को वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो वो पढ़ाना चाहता है, उस्ताद को वो पढ़ाना चाहिए जो बच्चा पढ़ सकता है। यहां पे बच्चे की नीड की बात हो ही नहीं रही। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, यही तो मसला है कि सड़कें बनाने से शऊर नहीं आता। शऊर आएगा तालीम के साथ, लेकिन तालीम एमए को नहीं, बीए को तालीम नहीं कहते। तालीम उसको कहते हैं कि आप गौर व फिक्र करना शुरू कर दो आपके बिहेवियर। देखें, यहां पे डिग्री तो नहीं लगी, किसी के सर पे डिग्री तो नहीं लगी, लेकिन आपके किरदार से पता लगता है कि आप कितनी डिग्रियों वाले। लेकिन जब किरदार ही नहीं है तो डिग्रियों का क्या फायदा? हमने तालीम का मोटिव बना लिया सिर्फ नौकरी हासिल करना। हम 10वीं तक बच्चों कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, वो तो वो मैटर का पता जान चुका होता है, पढ़ना भी और लिखना भी, तो फिर वो क्यों स्कूल जा रहा है? अगर उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई, हमारे माँ बाप ने कभी स्कूल में जाके नहीं पूछा कि भाई नया क्या सीखा मेरे बच्चे ने, बस ये सीखा है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आए। इसलिए आपका बच्चा पीआईटी कर लेता है, एक अच्छी नौकरी पर भी लग जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान